नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में, कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, जो कि अभी भी फियर जोन के आसपास या फियर जोन में मिल रहे हैं दोस्तों, और बाय करने का अच्छा जो है मौका है इन शेयर में। यदि बात करें ग्रोथ की तो हाई कंपाउंडिंग के साथ इनका सभी कंपनियों का कंपाउंडिंग है दोस्तों। यदि बात करें कौन सी कंपनी है तो फर्स्ट कंपनी की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ दोस्तों। पहली जो कंपनी है वो है PI इंडस्ट्री, जो कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी है दोस्तों। यदि बात करें फिलहाल की तो ये फिलहाल जो प्राइस है वो 3000 रुपये के आसपास का प्राइस है, और इसका जो टॉप है दोस्तों वो 3500 रुपये के आसपास का टॉप है। यदि आप देखो ये तो फियर जोन की जो आसपास है ये देखने को मिल रही है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं। अगला है दोस्तों टाटा केमिकल, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यदि आप बात करोगे ई व्हीकल में तो टाटा केमिकल का पहले नंबर पे नाम आता है दोस्तों। तो आप इसका देखोगे तो 927 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक मिल रहा है, और फियर जोन के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। यदि टॉप की बात करें तो 1150 रुपये का जो है टॉप इसने स्टॉक ने लगाया था टाटा केमिकल। तो टाटा ग्रुप का ये भी एक दिग्गज स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है डिवीज लेबोरेटरी। यदि बात करें तो 4516 रुपये के आसपास फिलहाल देखने को मिल रहा है। यदि टॉप की बात करें तो 5400 रुपये के आसपास इसने टॉप लगाया था दोस्तों। फिलहाल जो है फियर जोन में मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो तो 40 के नीचे ही जो है फियर जोन में RSI लेवल पे मिल रहा है दोस्तों। तो आप इसमें भी होल्डिंग अपनी बना सकते हैं यदि आपके पास ये पहले से तो, या न्यू एंट्री लेना चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो अगला जो है दोस्तों वो है SBI कार्ड। फिलहाल देखो ये तो ये फियर जोन में मिलेगा देखने को, और यदि बात करें 926 रुपये के आसपास जो है स्टॉक प्राइस है, इसने टॉप जो लगाया था दोस्तों 1150 रुपये का टॉप लगाया था। और कार्ड की इंडस्ट्री में क्या मतलब कार्ड सेक्टर की बात करें तो ये मार्केट का लीडर है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट शेयर की तरफ हम चलते हैं। अगला जो शेयर है दोस्तों वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। यदि बात करें फियर जोन में मिल रहा है, और दूसरा बता दूँ मैं आपको, इसने टॉप जो है 9600-9700 रुपये के आसपास लगाया था, 9700 के आसपास, और फिलहाल जो है 6671 रुपये के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा डाउन पे है दोस्तों, 2-3000 रुपये, और फियर जोन में है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। रिटेल B2B इनका बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो शेयर है दोस्तों वो है टाटा कंज्यूमर। मैं साथ में ये भी बता दूं इन कंपनियों का जो है लास्ट में हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो है सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो किस कंपनी ने दिया है दोस्तों। तो मैं बता दूंगा अगला जो शेयर वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यदि बात करें तो 736 रुपये के आसपास देखने को मिला है, और फियर जोन में देखने को मिला है। यदि टॉप की बात करें तो 900 रुपये के आसपास जो है इसका टॉप था दोस्तों टाटा कंज्यूमर का। नेक्स्ट शेयर की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो शेयर है वो है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यदि बात करें फिलहाल की तो 860 रुपये के आसपास जो है देखने को मिला है, और टॉप की बात करें तो 1300 के आसपास जो है इसने हाई लगाया था दोस्तों, और उसके बाद जो है इसका स्प्लिट हो गया तो इसने थोड़ा सा जो है डाउन ज़्यादा आ गया मार्केट डाउन आने की वजह से। और फिलहाल की बात करें तो 400-500 रुपये जो है डिस्काउंट में मिला है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं दोस्तों बाय करने के लिए। नेक्स्ट जो शेयर है अगला है HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक शेयर, जो कि मार्केट लीडर है, और कंपटीटर की बात करें तो इसका एक कंपटीटर भी है दोस्तों। यदि बात करें इसने हाई जो है 3300-3400 रुपये के आसपास लगाया था, और बात करें 2300 का डीप लगाया था, फिलहाल जो है 2400 रुपये में जो ये स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यदि बात करें तो फियर जोन में भी है फिलहाल, तो आप इसमें भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अगला जो शेयर है दोस्तों उसकी तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। अगला है CMS कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट हाई से बहुत ज़्यादा डीप में ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 2800 रुपये के आसपास जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है, और इसने जो डीप लगाया था तो 2550 रुपये के आसपास इसने डीप लगाया था दोस्तों, और फिलहाल जो है टॉप की बात करें तो 4000 रुपये के आसपास जो है टॉप लगाया था। फियर जोन के आसपास ही जो है ये स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक थे दोस्तों जो मतलब फियर जोन या फियर जोन के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और अच्छी खासी आप जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये डीप में मिल रहे हैं, और आगे क्या पता इसमें जो है मौका ना मिले। अब इनका जो है कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों, इन सभी कंपनियों का दोस्तों रिटर्न देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसने रिटर्न दिया है। तो 6 महीने की तरफ लेकर चलता हूँ। टाटा केमिकल ने 19% के साथ फर्स्ट
फर्स्ट जो है रैंक हासिल किया, पहले स्थान पे 19% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और सबसे लास्ट में इंडिया मार्ट ने 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए दोस्तों। एक साल की देखें तो एक साल में जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है टाटा केमिकल ने 85% के रिटर्न दिए, और यदि इंडिया मार्ट की बात करें तो 16% के नेगेटिव रिटर्न इंडिया मार्ट ने दिए। पीए इंडस्ट्री ने 26% के पॉजिटिव रिटर्न और डिवीज लेबोरेटरी ने 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए दोस्तों एक साल में। यदि आप देखें कि 5 साल में जो है किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए और किसने सबसे कम रिटर्न दिए, तो 5 साल में जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए डिवीज लेबोरेटरी ने, और सबसे कम रिटर्न जो दिए हैं वो दिए एसपीए कार ने 9% के नेगेटिव रिटर्न दोस्तों। पीए इंडस्ट्री ने 255% के, टाटा केमिकल ने 80% के, और इंडिया मार्ट ने 404% के 5 सालों में रिटर्न बना करके दिए दोस्तों। अब मैं लेकर के चलता हूँ मैक्सिमम जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर के आज तक के रिटर्न, देखें कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसने दिए। तो डिवीस लेबोरेटरी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए 50,000% के रिटर्न लाइफ टाइम में, और पीए इंडस्ट्री 3900% सेकेंड नंबर पे जो, और थर्ड की बात करें तो टाटा केमिकल 793% के रिटर्न दिए, इंडिया मार्ट ने 404% के रिटर्न दिए, और नेगेटिव रिटर्न एसबीआई कार्ड ने दिए दोस्तों लाइफ टाइम में। अब मैं लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट कंपनियों की तरफ, देखते हैं कि उन जो रह गई है 4-5 कंपनियाँ उनमें देखेंगे सबसे पहले नंबर पर कौन सी और सबसे लास्ट में जो है कौन सी सबसे कम रिटर्न दे रही है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने में जो है सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिए IRCTC ने दिए, इंडियन रेलवे ने दिए 90% के, और सबसे कम जो रिटर्न दिए HDFC AMC ने दिए 16% के नेगेटिव रिटर्न दोस्तों। एक साल की बात कर लेते हैं कि एक साल में जो है सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिए, तो एक साल में आप देखोगे IRCTC ने 194% के रिटर्न दिए, 200% के आपके रिटर्न बना करके दिए दोस्तों। और CAMS ने दिए 56% के पॉजिटिव रिटर्न 17% के साथ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट HDFC AMC की बात करें तो 23% के जो है नेगेटिव रिटर्न के साथ 4th नंबर पे है दोस्तों। यदि 5 साल की बात करें तो 5 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिए दोस्तों 475% के साथ टाटा कंज्यूमर, और इंडियन रेलवे सेकंड नंबर पे 452% के, उसके बाद CAMS कैम्प्स ने 110% के, HDFC AMC ने 39% के। अब देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम में जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक के सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो किसने दिए, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 3400% के रिटर्न दिए दोस्तों लाइफ टाइम में, जो कि सबसे पहले जो है इसकी लिस्टिंग है और इसका टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद की बात करें तो IRCTC ने 452% के रिटर्न, कैम्प्स ने 110% के, और 39% के साथ HDFC 4th नंबर पे है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, रिटर्न का जो व्यू होता है दोस्तों ये लास्ट में मैं डालता हूँ, वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।